उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में नामांकन दाखिल करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज बताते चले, सपा बसपा रालोद गठबंधन उम्मीदवार इंद्रजीत सरोज जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष तीन सेट में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले सपा कार्यालय से कलेक्टर तक समर्थकों के संग निकाला जुलूस, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। वहीं मीडिया के सवालों पर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि ये हार के डर से बौखलाए लोगों की बदल गई है भाषा। ये अली और बजरंगबली की भाषा बोलने वाले लोगों ने कुछ दिन पहले बजरंगबली को दलित भी बताया था, अब इनके चला चली की बारी आ गई है। जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली है। और खुद को बजरंगबली वाला बताइए, इस पानी में देखिए भाजपा के लोग झूठे लोग हैं। भाजपा तो कुछ भी कह दे, वो उन्हें तो जाति धर्म, वो तो बजरंगबली जी को दलित भी कह दिए हैं। अब वो देवी देवताओं की भी जाति निर्धारित करते हैं। वो लोग बौखला गए, उन्हें पता चल गया है कि गठबंधन बड़े पैमाने पर इस देश में और प्रदेश में जीतने जा रहा है, उनकी चला चली की बेरा है। तो उनका मानसिक संतुलन जो है गड़बड़ा गया है। आप किसके साथ हैं, अली वालों के साथ? हम तो सबके साथ हैं, सर समाज की जनता के साथ हैं। सर समाज के लोग हमें वोट देने जा रहे हैं और सर समाज के लोग ही मिलकर ये झूठे लोगों को भगाएंगे।